मधुबनी लोकसभा के महागठबंधन समर्थित राजद के उम्मीदवार अली अशरफ फातमी के समर्थन में रविवार को गंगौर हाई स्कूल के मैदान में राजद के नेता तेजस्वी यादव और वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने जनसभा को संबोधित किया। इस चुनावी जनसभा में तेजस्वी यादव और उसके साथ मुकेश सहनी ने जीत की हुकार भरी और मोदी सरकार के खिलाफ जमकर बरसे। तेजस्वी यादव ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि यह 2024 का आम चुनाव खास चुनाव है, यह समझने की आवश्यकता है। देश महंगाई और आर्थिक संकट से गुजर रहा है। भाजपा का काम सिर्फ भाषण और जुमलेबाजी करना है। 10 साल से पीएम मोदी है, आपके जिला व गांव के लिए मोदी ने क्या किया? हम विपक्ष में, हमें सवाल पूछने का अधिकार है। हमने कहा था कि 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे, तो 17 महीने में 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम किया है। हमारी सरकार बनी तो 200 यूनिट फ्री बिजली और 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, 500 रुपए में सिलेंडर मिलेंगे। रक्षाबंधन पर गरीब बहनों को 1 लाख रुपए स्वरोजगार के लिए दिए जाएंगे। मुकेश सहनी ने कहा कि संविधान को बदलने की कोशिश की जा रही है। बाबा साहब ने संविधान में हमें जो अधिकार दिया है उसे छीनने की साजिश रची जा रही है। देश की सत्ता में आज हिटलर बने हैं। 2020 में हमने 4 विधायक बनाए, बिना समर्थन के नीतीश कुमार सीएम नहीं बनते। एक षड्यंत्र के तहत विधायकों को खरीद कर हमें रोड पर ला दिया। बिहार की सभी 40 सीट हराकर दिखाएंगे, यह गारंटी है। कार्यक्रम में राजद के प्रवक्ता मनोज झा, राज्यसभा सांसद फैयाज अहमद, विधायक भरत भूषण मंडल, पूर्व विधायक रामेश पांडे, जिला अध्यक्ष विधायक रामशीष यादव, इंजीनियर भोगेंद्र मंडल, प्रिया राज, बच्चेलाल महतो, शिवचंद्र यादव, राजद मधुवापुर प्रखंड अध्यक्ष देवेंद्र प्रसाद यादव, मुखिया प्रतिनिधि बेचन सहनी, श्याम यादव समेत अन्य लोग भी मौजूद रहे। और हरलाखी के सभी हमारे अभिभावक, बुजुर्ग, माताएं, बहने और नौजवान युवा साथी, देखिए डॉक्टर्स ने हमको सलाह दिया है 3 हफ्ते का बेड रेस्ट के लिए। हमारे कमर के हड्डी में चोट है, हम डॉक्टर साहब को बोले, डॉक्टर साहब हम बेड रेस्ट नहीं लेंगे जब तक मोदी जी को बेड रेस्ट नहीं दिला देते। और आप लोग सब लोग जानते हैं मोदी जी जितना झूठा प्रधानमंत्री आज तक हम लोगों ने नहीं देखा। मोदी जी ने क्या क्या वादा किया, 14-19 में एक वादा अगर पूरा हो तो बता दो। क्या हरलाखी की जनता, महान जनता बैठी है, नौजवान है, बुजुर्ग है, माताएं हैं, बहनें हैं, एक काम बता दो जो हरलाखी के लिए किया मोदी जी ने, कोई एक काम बता दो, एक काम बता दो। आप लोगों ने लगातार 10 साल से इन लोगों को जिताया मधुबनी, 15 साल से आप एमपी बना रहे हैं, आप यहाँ से एनडीए का विधायक बना रहे हैं, आप मुख्यमंत्री बना रहे हैं, आप प्रधानमंत्री बना रहे हैं, 17 साल से राज में उनकी सरकार, 10 साल में भारत में उनकी सरकार, 15 साल से उसका सांसद, कई बार से विधायक, लाखी को क्या मिला? क्या मिला? आपने तो पूरा प्रचंड बहुमत एनडीए को दे दिया, लेकिन आपको हरलाखी को कुछ नहीं मिला। कितने नौजवान बेरोजगार है, जरा हाथ उठा के बता दो। मोदी जी ने कितने नौकरी दिया? नहीं ना दिया। असल मुद्दा है कि नहीं? तुम लोग भी चाहते हो कि नौकरी लगे, शादी हो, बाल बच्चा हो, परिवार सुखी से बीते। नौकरी नहीं लगता तो शादी भी नहीं होता जल्दी, है कि नहीं? तो आप बताइए, 17 महीने केवल तेजस्वी उप मुख्यमंत्री रहा, 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया और 3 लाख नौकरी प्रक्रिया अधीन करके आए, जो अभी बाली बस निकालना बाकी रह गया, इतने में चाचा जी मेरे पलट गए। तो पलट गए, लेकिन हम पूरा सम्मान करते हैं, हम तो बेटा के रूप में उनके साथ खड़े थे, लेकिन मुकेश सहनी जी का विधायक खरीद लिया भाजपा वाला और हमारे चाचा को ही हाईजैक कर लिया भाजपा वाला। खैर, जहां रहे सुखी रहे, हमारा पूरा मान सम्मान रहेगा, बुजुर्ग हैं, बुजुर्गों के प्रति मेरा पूरा सम्मान रहेगा, चाहे हमको कितना गाली दे, लालू जी को कितना भी अपमानित
करें, चाहे कितने भी बच्चे हमारे भाई बहनों को गिराएं, लेकिन हम उनके खिलाफ एक शब्द नहीं बोलेंगे क्योंकि हमारे अभिभावक है। लेकिन आप बताइए, हमने 17 महीने में जो काम किया, केवल नौकरी नहीं दी, 8 लाख तो ये, 3 लाख प्रक्रियाधीन, 5 लाख नियुक्ति पत्र बंटवाया अपने चाचा के हाथ से, वही जो 20 में कहते थे कहां से लाएगा, अपने बाप के पास से लाएगा, उन्हीं के हाथों बंटवाया। और यही नहीं, 4.5 लाख नियोजित शिक्षक कर्मियों को हमने राजकीय कर्मी का दर्जा दिया। विकास मित्र, टोला सेवक, शिक्षा मित्र, आंगनबाड़ी, इनके मातालमी मरकज, इनके मानदेय को हमारे 17 महीने की सरकार ने दुगुना करने का काम किया। हम लोगों ने आईटी पॉलिसी बनाई, स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई, हम लोगों ने सारा काम किया। लेकिन आप देखिएगा जो एनडीए की सरकार, उन्होंने क्या किया, केवल भाषण, केवल जुमला। भाइयों बहनों, हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, हर साल 15 लाख रुपए खाते में देंगे, बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा देंगे, बिहार को स्पेशल पैकेज देंगे, बंद चीनी मिल को खुलवा देंगे। बिहार में एक चीनी मिल नहीं खुला 10 साल में, किसानों का आय दुगुना कर देंगे। क्या किसान भाई यहाँ बैठे हैं, आय दुगुना किए क्या मोदी? फसल का सही दाम मिल रहा है? नहीं मिल रहा। कुछ नहीं किया इन्होंने, बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया, यहाँ के साथ सत्ते में कुछ नहीं किया, इसलिए परिवर्तन जरूरी है। मेरा मानना है कि जब तक हरलाखी विकास नहीं करेगा, तब तक बिहार विकास नहीं करेगा, और जब तक बिहार विकास नहीं करेगा, हमारा देश विकास नहीं कर सकता। अरे गांव को बनाना है, गांव के लोगों को आगे बढ़ाना है, जब तक गांव का नहीं तरक्की होगा तो देश का कैसे हो जाएगा भाई? हरलाखी देश ही बना है, तो जब आपका विकास नहीं हुआ तो देश का नहीं हुआ। ये लोग झूठा है, बीजेपी वाला सब सही बोल रहे हैं, बड़का झूठा पार्टी बोलता, दुनिया में भारत का डंका बजता। हाँ बताइए, पड़ोसी देश भी आगे बढ़े, कहाँ है अर्थव्यवस्था हमारे देश का? चौपट कर दिया प्रधानमंत्री जी, पीछे हो यार, कोई काम नहीं किया। लेकिन आप सब लोगों को हम बताना चाहते हैं, हम लोगों की सरकार बनी, महागठबंधन के हमारे प्रत्याशी फातमी साहब को आप लोग जिताइए। फातमी साहब जीतेंगे तो लालू जी, राहुल गांधी जी का हाथ मजबूत होगा, और जब हाथ मजबूत होगा तो इंडिया की सरकार बनेगी, और इंडिया की सरकार बनेगी तो 15 अगस्त से बेरोजगारी से आजादी दिलाया जाएगा, 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी पूरे देश भर में हम लोग दिलाने का काम करेंगे। गरीब परिवार की बहनें दूर दराज खड़ी है अभी यहाँ, उन बहनों से, माताओं से कहना चाहते हैं, आप नौजवान भी जाके बोलना बहनों को कि हमारी सरकार बनेगी तो रक्षाबंधन से साल में 1 बार 1 लाख रुपया का सहयोग उन गरीब परिवार की बहनों को, यानी हर महीने 8,333 रुपया उन गरीब परिवार की बहनों को हम लोग देंगे। गैस सिलेंडर, पहले बीजेपी वाला गाना गाता था, महंगाई दाइन है, जब 400 रुपया था गैस सिलेंडर, आज कितना हो गया है? तो आज मोदी जी की और बीजेपी की महबूबा हो गई है महंगाई, है ना, 1400 हो गई। हमारी सरकार बनेगी तो गैस सिलेंडर 500 रुपया हम लोग देने का ऐलान करते हैं, 200 यूनिट फ्री में बिजली आप लोगों को मिलेगा, 200 यूनिट फ्री में। हम लोग चाहते हैं कि आप लोगों की तरक्की हो, आप लोगों के साथ आर्थिक न्याय किया जाए, लालू जी ने सामाजिक न्याय किया, अब हमारी सरकार बनेगी तो आर्थिक न्याय भी करेगी, और साथ ही साथ
अग्निवीर योद्धा को खत्म किया जाएगा, ताकि पहले से जो सेना में बहाली होती थी वैसे ही बहाली हम लोग कराएंगे। अग्निवीर योद्धा में कोई शहीद हो जाए तो शहीद का दर्जा नहीं है, पेंशन नहीं मिलता, पेंशन नहीं मिलता तो कैंटीन का भी सुविधा नहीं मिलता, और सबसे बेकार की बात कि 4 साल में आपको बाहर कर देगा सेना से, 18 साल में ज्वाइन करो, 22 साल में रिटायर कर जाओ, ऐसा कहीं देखे हैं? यहाँ भी सिपाही लोग खड़ा है, दरोगा जी लोग खड़े होंगे, इन लोगों को बोल दो 40 साल के लिए, कैसा लगेगा, क्या करेंगे उसके बाद, क्या करेगा भाई? तो सेना के साथ ऐसा क्यों, काहे अग्निवीर योद्धा ऐसा लाया जा रहा है? शहीद का भी दर्जा नहीं है, पता ही शहीद के दर्जा मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, जो भारत माँ की रक्षा करते करते शहादत दे दे, लेकिन ऐसा योजना रहेगा कॉन्ट्रैक्ट पर। तो हम लोग जैसे पुराना बहाली चलता था उसी हिसाब से बहाली हम लोग कराने का काम करेंगे। मोदी जी आ रहे बार बार पटना में, आज रोड शो करेंगे मोदी जी, कुछ नहीं मिलेगा, कल है 3-3 दो रैली करेंगे बिहार में, सुनिए। तेजस्वी एक 34 साल के लड़के ने नौकरी के एजेंडे पे प्रधानमंत्री को रोड पर ला दिया, हालत खराब है भाजपा के, कल 3-3 दो रैली करेंगे, प्रधानमंत्री आएंगे तो हम बताए क्या कहेंगे, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद इस्लाम सनातन। अरे मोदी जी गरीबी का गौ भी बोल लो, बेरोजगारी का बौ भी बोल लो, महंगाई का मौ भी बोल लो, लग 4 चीज असंभव है रे भाई। पहला काम जो असंभव है, सूर्य का पश्चिम से उगना। दूसरा संभव क्या है, रेगिस्तान में मछली मारना। तीसरा आसमान में पेड़ उगाना, और चौथा मोदी जी के मुंह से मुद्दे और काम की बात सुनना। काम की बात करते ही नहीं, खाली झगड़ा झंझट नफरत की राजनीति, बांटो तोड़ो लोगों में गुस्सा फैलाओ लड़वाओ, हम कलम बांट रहे हो तलवार बांट रहे? अरे कलम बांटने पे क्या होता है, नौकरी मिलता है, ब्याह हो जाता है, बबुआ आ जाता है, माता पिता खुश रहता है, नैनानू खुश रहती है, लड़का आएगा नौकरी से बाबू के लिए चॉकलेट लाएगा बाबू खुश रहता है, सुखी सम्पन्न जीवन बीतता है। जिसके हाथ में तलवार हो गया दंगा करेगा उसके ऊपर मुकदमा होता है, जेल जाता है, थाना जाना पड़ेगा, पैसा खर्च करना पड़ेगा, वकील के रखना पड़ेगा, पैसा खर्च करना पड़ेगा, बाहर निकल के आएगा, अगर आ गया तो जाएगा लड़की वाला के पास, तो लड़की वाला बोलेगा दंगा ही, आपको शादी नहीं करना, सब परेशान, परिवार सुखी नहीं रहेगा। तो आप लोगों को फैसला करना है कि कलम बांटने वालों को चुनोगे कि तलवार बांटने वालों को चुनोगे, ये निर्णय आप लोग। हम तो सुने थे कि भाई बुजुर्ग लोग जो है, बुजुर्ग जो लोग होते हैं, प्रधानमंत्री जी बुजुर्ग है, 74 साल के हैं, हमको लगता था कि बुजुर्ग लोग काम की बात करता है, ध्यान की बात करता है, ज्ञान की बात करता है, लेकिन मोदी जी तो बेकार का बात करते हैं। देखिए समय नहीं है, हम डेली सुबह शाम सुई ले रहे हैं, बेल्ट पहन करके हमको घूमना पड़ रहा है, लेकिन जो मेरा दर्द है वो कुछ नहीं है, जो आपका बेरोजगारी का दर्द है, गरीबी का दर्द है, महंगाई का दर्द है, वो ज्यादा है। और तेजस्वी शांत नहीं बैठेगा जब तक अपने नौजवान भाइयों को बेरोजगारी से आजादी नहीं दिला देता। तो बोलिए चुपचाप, जोर से आवाज आना चाहिए, चुपचाप चुपचाप।
फातमी जी को विजय का माला पहना देना, दोनों हाथ ऊपर करके बताइए पहना देना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। पंडलाची की जनता जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बहुत बहुत आप सब लोगों का धन्यवाद। एकदम देश को बनाने का चुनाव है ये। भाजपा के लोग लोकतंत्र संविधान को खत्म करना चाहते हैं, अपने लोकतंत्र संविधान को बचाने की भी ये लड़ाई है, देश को बचाने की लड़ाई है और देश को बनाने की लड़ाई है। इसमें आप सब लोगों का सहयोग मिले। अल्लाह की जनता जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय बिहार। पल्ला मुकेश सनी की ओर से नमस्कार प्रणाम। साथियों, ये चुनाव का समय है और चुनाव हर 5 साल में 2 बार आता है, एक बार देश का प्रधानमंत्री को चुनने का और एक बार राज्य का मुख्यमंत्री को चुनने का। लेकिन ये चुनाव बहुत खास है। ये देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ ये हमारे आने वाला पीढ़ी का भविष्य का चुनाव है साथियों। इसलिए क्योंकि हमारे देश का संविधान जो है वो खतरे में है, हमारा लोकतंत्र जो है वो खतरे में है साथियों। ये देश आपका है, ये देश हमारा है, ये देश किसी का जागीर नहीं है। इसलिए साथियों, आपके पूर्वज ने, हमारे पूर्वज ने पूरे 200 साल लड़ाई लड़ा, तब जाके देश आजाद हुआ। और आजादी के बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो हमें संविधान बना के दिए, उसी संविधान का दम पर आज हम इस मुकाम तक पहुंचे हैं। आज एक गरीब मछुआरा मल्ला का बेटा आपके सामने में सीना चौड़ा करके अगर अपनी बात को अगर रख रहा है तो ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान का देन है साथियों। लेकिन जो दिल्ली में बैठे हैं, जो दिल्ली में बैठे हैं वो संविधान को नहीं मान रहे, वो बनी हुई सरकार को गिरा देते हैं, बनी हुई विधायक को खरीद लेते हैं, वो लोकतंत्र को नहीं जानते हैं। उनके पास संसाधन है, पैसा है, लोगों को चंदा दो धंधा लो, जो चंदा नहीं दोगे वो जेल चले जाओगे। और इस स्कीम पे पैसा अगवाई करते हैं और वो पैसा विधायक और सांसद को खरीदने में लगाते हैं। आप बताइए, जो विधायक सांसद आप बनाए हैं आप अपने लिए बनाते हैं, जनता मालिक होता है। और बताइए, वो विधायक को कोई खरीद ले, वो सांसद को खरीद ले तो जनता का अपमान है कि नहीं है? तो इसलिए साथियों, ये जनता का अपमान कर रहे हैं। तो इसलिए आप सभी से आग्रह है कि मोदी जी जो है वो अडानी अंबानी का सरकार है, वो वीआईपी या गरीब लोगों के लिए नहीं है। तो इसलिए तमाम साथी से कहूंगा कि मजबूती से हमारे इंडिया गठबंधन राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा हमारे प्रत्याशी भाई फातमी साहब है, आप सबसे आग्रह करते हैं, इनका चुनाव चिन्ह लालटेन है, इनके ऊपर मजबूती से वोट देकर इनको विजय बनाइए। बाकी राहुल गांधी जी का हाथ मजबूत हो, हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी का हाथ मजबूत हो और सामाजिक न्याय मजबूत हो साथियों। आज देखिए किस तरीके से गरीब पिछड़ा को हक अधिकार देने से रोक रहा है। तो तमाम हमारे जितने भी है आप सब जान रहे हैं कि मोदी जी आए थे 2014 में और आपसे हमसे वादा किए थे कि हम आपके अच्छे दिन लाएंगे। आप और हम इंतजार कर रहे हैं कब अच्छे दिन आएंगे। आपसे वादा किया था युवा से कि हर साल 2 करोड़ युवा को नौकरी देंगे। 10 साल में हमारा युवा इंतजार कर रहा है कि कब नौकरी मिलेगा। उन्होंने कहा विदेश से काला धन लाएंगे और सबके खाता में 15-15 लाख रुपए देंगे। क्या आपके खाता में पैसा आया? कैसे आएगा जब मोदी जी के खाता में आ गया पैसा चंदा की ओर से, तो आपके खाते में कैसे आएगा? आप देखे होंगे अमित शाह जी ने कहा था कि सहारा इंडिया का पैसा 1-1 रुपया सबके घर तक पहुंचाएंगे, ये मेरा वादा है। अब वही वादा गारंटी आप देख लीजिए, क्योंकि वहां से चंदा मिल गया तो काहे का सहारा इंडिया वाले से ढूंढेंगे पकड़ेंगे। आज उनके हजारों करोड़ लाखों करोड़ का संपत्ति है, वो चाहते तो सबको बेचकर लोगों को गरीब लोगों को पैसा लौटा देते, लेकिन वो नहीं चाहेंगे। वो आपके हक अधिकार की बात नहीं करेंगे, सिर्फ आपको गुमराह करेंगे। तो इसलिए साथियों, ये देश का मालिक आप हैं, इस देश का मालिक कोई नेता नहीं हो सकता।
जनता जो है वो मालिक है, तो इसलिए आप मालिक है। अब समय आ चुका है वोट गिराने का, और सही निर्णय लीजिए और आप बताइए कि देश का मालिक आप है, और सही अपना बटन दबा के और उनको बता दीजिए कि बिहार में झूठ नहीं चलेगा, झूठ नहीं चलेगा। तमाम हमारे जितने भी गठबंधन के साथी है सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी मजबूती से बूथ पर गांव में सब निकलिए, आप मजबूती से एक एक वोट अपने गठबंधन के लिए दीजिए और जिताइए फातिमा साहब को। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।